दोस्तों, मैं आपका दोस्त और होस्ट पॉइंट का सभी का स्वागत करता हूं आज के वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे मेजर पॉइंट के बारे में जो आपको प्रूव कर देगी, साबित कर देगी कि डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य आने वाले 5 साल में बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। और जो आज डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन कर रहा है और अब पूरी शिद्दत के साथ काम कर रहा है, तो मेरी गारंटी है कि आपका भविष्य 100% बहुत ही सही दिशा में जा रहा है। तो आज हम 10 पॉइंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है, हमारे पास देश में 140 करोड़ से ज्यादा का पॉपुलेशन है। अगर एक देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो बहुत सारे लोग बहुत बड़ा नेटवर्क बना सकते हैं। किसी देश में 1 करोड़ का पॉपुलेशन है और किसी देश में 140 करोड़ का पॉपुलेशन है, तो समझो आप बात को, कितना बड़ा नेटवर्क बन सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग जो है वो नेटवर्क बनाने का ही बिजनेस है। तो जिस देश का नेटवर्क खुद का ही इतना बड़ा हो, उस देश को नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन तो हमारे देश के पास है। तो आप बहुत ही लकी हो कि पहला पॉइंट में ही आप यहाँ पे सिक्सर मार देते हो। दूसरा जो पॉइंट है वो है एजुकेशन। आज से कुछ साल पहले लोगों के पास सेल्फ एजुकेशन भी नहीं था और डायरेक्ट सेलिंग का एजुकेशन भी नहीं था, लेकिन आज लोग जो है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से सेल्फ एजुकेशन को भी इंप्रूव कर रहे हैं। और साथ में गवर्नमेंट को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि गवर्नमेंट ने 2021 दिसंबर में डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स को लॉन्च कर दिया और उसी के बेस पे गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग को 100% लीगल बना दिया। अब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कायदे कानून है और हमारे देश में लोगों के पास उसका प्रॉपर नॉलेज है, एजुकेशन है, इसलिए इस इंडस्ट्री में इसका बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ होने वाला है। तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट है जीडीपी। जी हाँ, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इंडिया का 7% से ज्यादा है। हमारे भारत देश से बहुत ज्यादा विकसित देश जो है अमेरिका, उसका जीडीपी 1.9 है। इसके अलावा बात करें कनाडा, जो लोग जाते हैं कनाडा पढ़ाई करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, कनाडा का जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3.7 है। उसके मुकाबले हमारे देश का जीडीपी 7.2 से ज्यादा है। यानी कि जिस देश का जीडीपी ज्यादा है, उस देश का ग्रोथ 100% तय है। और अगर देश की तरक्की हो रही है, तो देश में आने वाली हर इंडस्ट्री का भी ऑटोमेटिक ग्रोथ होने वाला है। तो इसीलिए इंडिया का जीडीपी काफी अच्छा है, तो डायरेक्ट सेलिंग का ग्रोथ भी काफी अच्छा होगा। चौथा जो पॉइंट है वो है फाइनेंशियल कंडीशन। आज से कुछ साल पहले लोगों के पास 5,000 के मोबाइल भी नहीं थे, बट अगर आज हम बात करें तो लोगों के पास 15,000 से लेकर 50,000 और किसी के पास तो 1,00,000 तक के मोबाइल है। यानी कि लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो धीरे धीरे इंप्रूव हुई है जीडीपी के कारण। इसके साथ साथ आज लोग जॉब के साथ साथ अपना बिजनेस भी शुरू करना चाहते हैं। कुछ लोग बिजनेस शुरू करने की बजाय डायरेक्ट सेलिंग में भी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूवमेंट की वजह से लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करेंगे, क्योंकि उनके पास एक्स्ट्रा पैसा है। कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग खुद की कंपनी शुरू करेंगे। और अगर आपको ये दोनों भी नहीं करना है, तो हमारे पास कुछ ऐसे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज है जिसके जरिए आप बहुत ही छोटा सा इन्वेस्टमेंट करके हजारों लाखों रुपए कमाने का बिजनेस मॉडल खुद का शुरू कर सकते हो। तो लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से इस इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। पांचवा पॉइंट है एंटरप्रेन्योरशिप। आज से 10 साल पहले लोग सिर्फ 9 to 5 जॉब करने के बाद रात को घर आके सो जाते थे, लेकिन अगर मैं आज की बात करूं, लोग चाहते हैं कि 9 to 5 जॉब करने के बाद वो खुद का बिजनेस करें। तो कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेंगे, कुछ लोग अपनी खुद की डायरेक्ट सेलिंग कंपनी शुरू करेंगे। अगर आपको करना है तो यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, या फिर कुछ लोग जो है वो डायरेक्ट सेलिंग के अलावा भी छोटे मोटे बिजनेस शुरू कर सकता है, आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क कीजिए, हमारी टीम आपको गाइड करेगी। तो यहाँ पे अल्टीमेटली लोगों के पास फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होने की वजह से लोग डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ेंगे और वहां पे इस इंडस्ट्री का बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ होने वाला है। छठा जो पॉइंट है वो है फीमेल डोमिनेंस। आज से 10 साल 15 साल पहले डायरेक्ट सेलिंग में सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल पे मेल ही थे। मतलब कि अगर कोई भी कंपनी के 10 टॉप लीडर अगर आप देखेंगे, तो सिर्फ और सिर्फ मेल मिलेंगे, जेंट्स मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में धीरे धीरे मेल के साथ साथ फीमेल भी ग्रो कर रही है, वो भी अपना नेटवर्क बना रही है, वो भी इंडिपेंडेंट बन रही है। तो अगर 10 साल पहले सिर्फ मेल थे, तो आज मेल्स तो बढ़ने ही वाले हैं, बट इसके साथ साथ फीमेल भी इसको एक्सेप्ट कर रही है और फीमेल का डोमिनेशन भी काफी अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इसी वजह से डायरेक्ट सेलिंग में काफी अच्छा ग्रोथ आने वाले भविष्य में दिखने को मिल सकता है। सातवें पॉइंट की बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा यूथ है कंपेयर टू अदर कंट्रीज। अगर आप यूएसए की एवरेज एज को अगर आप देखेंगे, तो वो करीब करीब 40 से ज्यादा है। अगर आप इंडिया की एवरेज एज की अगर आप देखेंगे, तो वो 28 के आसपास है। मतलब कि इंडिया के पास सबसे ज्यादा यूथ है, और जिस देश के पास सबसे ज्यादा यूथ है, वो देश आने वाले भविष्य में बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो करने वाला है। और इसमें हमारे देश में मैक्सिमम यूथ इस इंडस्ट्री को अपना रहे हैं और इस इंडस्ट्री में काफी अच्छा ग्रोथ कर रहे हैं, तो इस इंडस्ट्री का ऑटोमेटिक ग्रोथ होने वाला है। आठवें पॉइंट की अगर हम बात करें, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक लौती ऐसी इंडस्ट्री है जो इंडियन गवर्नमेंट के 5 मेजर गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रही है। जी हाँ, उसमें से स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, वुमन एम्पावरमेंट और डिजिटल इंडिया,
इस पांच इंडस्ट्री को डायरेक्ट सेलिंग पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, इसलिए गवर्नमेंट के ग्रोथ के साथ साथ, गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट के ग्रोथ के साथ साथ इस इंडस्ट्री का भी काफी अच्छा ग्रोथ होने वाला है। और नौवे पॉइंट की अगर हम बात करें तो वो है टेक्निकल सपोर्ट। आज से कुछ साल पहले अगर हमें किसी को बिजनेस प्लान शो करना है तो हमें डायरी पेन लेके, बैनर्स पोस्टर लेके लोगों को समझाना पड़ता था, लेकिन आज के जमाने में डिजिटल माध्यम से आप एक ही समय पे हजारों लाखों लोगों को बिजनेस प्लान को शो कर सकते हो। जैसे ही यूट्यूब पे आप मेरा वीडियो देख रहे हो, लोग जूम पे मीटिंग कर रहे हैं, जूम पे प्लानिंग कर रहे हैं, और एक ही घंटे में आप 10 लाख लोगों तक अपने बिजनेस प्लान को पहुंचा सकते हो। और ज्यादा लोगों तक प्लान पहुंच रहा है तो मैक्सिमम लोग आपके वहां पे ज्वाइन करने वाले हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म की वजह से, टेक्निकल सपोर्ट की वजह से आज आप बहुत ही इजीली लोगों की ज्वाइनिंग कर सकते हो, लोगों को समझा सकते हो, कन्विंस कर सकते हो, और आपको पेमेंट भी बहुत ही जल्दी मिल रहा है। तो ये 9 पॉइंट है। इसके अलावा 10वां पॉइंट ये है कि अगर आप चाहते हो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी खुद की शुरू करना तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप चाहते हो प्लान डिजाइन करना तो हम आपको सपोर्ट करते हैं, अगर आप फिर भी डायरेक्ट सेलिंग के अलावा बिजनेस करना चाहते हो तो हमारे पास कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट से बहुत ही ज्यादा बड़ा बिजनेस कर सकते हो, और बहुत ही अच्छी इनकम अगर आपको जनरेट करनी है तो हम भी आपको डिजिटल इंडिया को सपोर्ट करते हुए डिजिटल प्रोडक्ट्स देते हैं और वहां पे बहुत ही अच्छा बिजनेस करने की सपोर्ट करते हैं, गाइडेंस देते हैं। तो अगर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस शुरू करना है या आप चाहते हो कि खुद का कुछ बिजनेस शुरू करना है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, तो आप यहां पे हमारे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये 10 पॉइंट ऐसे हैं जिसे इस इंडस्ट्री का भविष्य बहुत ही ब्राइट होने वाला है, बहुत ही पावरफुल होने वाला है। तो अगर आप इस इंडस्ट्री में है तो अपने आप को कांग्रेचुलेट कीजिए और इस देश को भी धन्यवाद कीजिए। तो इस इंडस्ट्री में पॉजिटिविटी के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।